All right, ladies and gentlemen, boys and girls, कॉफी टाइम हो रहा है। सारे दिन हम लोग जा रहे हैं नोबोपल्ली रविंद्र भवन। क्यों जा रहे हैं आप सबको पता होना चाहिए ना भाई, क्यों जा रहे हैं। मेरे साथ है एचडी बॉय, तो मिलते हैं सीधे वहीं पे। रास्ते में ज़्यादा बात नहीं करना। सो फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन और अभी हम लोग है रविंद्र भवन एंड देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लॉगर एज यू कैन सी। बस वेटिंग फॉर एमएस के भाई, एक्साइटमेंट एज यू कैन सी इन माई फेस, बहुत ज़्यादा एक्साइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। स्टे ट्यून्ड। यू डोंट सी द थिंग्स आई सी, आई टेल यू थिंग्स यू वोंट बिलीव। अबव द स्काइज ओवरसीज आई हियर देम ऑल दोस प्लेसेस कॉलिंग मी टू नेवर गिव अप। फाइनली वी आर सिटिंग इन द अपना एमएस के भाई आने वाला है। एक इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है आपके सामने। ब्लू टिक वाला एमएसके है। पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर आप लोग बना, स्टोरी बन जाएगी अपने। ओके। मैं आया था कोलकाता मीटअप पे। कोलकाता केमन आसेन भाव थोड़ा बढ़ा दो और थोड़ा। एक करोड़ की पेप्सी। तहे दिल से, दिल की गहराई वाले झील से हजार लीटर शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पर अपना वक्त निकाल के आए हैं, आज हम यहाँ पर, देखो मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं आपको नाच गा के तो एंटरटेन नहीं कर सकता, लेकिन हम कुछ बातें करेंगे क्योंकि ब्लॉग में हम बातें ही करते हैं और बातें करने की वजह से आप लोगों ने कनेक्ट किया मुझे, जिसके वजह से आप लोग यहाँ पर हो। तो आज हम बातें करेंगे। अगर आप लोग अभी, मैं आपको चिल्लाने का फुल मौका दूंगा, ठीक है। मैं तो सब चाहूंगा कि आवाजें गूंजे, मैं मौका दूंगा। अभी पहले हम सवाल जवाब करेंगे, थोड़ा मैं बात करूंगा तो अच्छा लगेगा मैं सबको, है कि नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? तो इंट्रो चाहिए, ठीक है, इंट्रो ही कर लेंगे जनता की डिमांड पे। हेलो नमस्ते, वालेकुम वाला मेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मोहम्मद सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक उस दिन जो हमने मीटअप किया था, वो सब कोर टीम वाले थे, सारे थे। आप लोग बैठे रहे, आप लोग सब थोड़ा ऐसे हो जाओ तो आप सारे लोग देखो और इनके लिए बहुत जोर से तालियां होनी चाहिए।
हम हमारा मीटअप जो होता है थोड़ा हम सिस्टमेटिक करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, मिल सकें। अरे तुम चुप रहो। मजा आया इसी बात। तुम आओ इधर स्टेज पर आओगे। आमिर तुम आगे भालोबाशी। ये इनको सिर्फ ये मोहब्बत भालोबाशा जो भी है तो ठीक है। थैंक यू। नाटक गाना बजाओ तो खेला हो बे। देखो हम ना एक Q&A करेंगे ठीक है। हम लोगों ने कुछ टी शर्ट बनाए हैं तो हम ना क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद फिर हम टी शर्ट गिव अवे करेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। क्या बोलते हैं नाच गाना कुछ हो जाए। अरे शूट कैसा लग रहा है। हम सवाल जवाब कर लेते हैं। बैठना है खड़े रहेंगे खड़े ही रहेंगे। थोड़ा छोटा सा वेलकम करना चाह रहे हैं हम लोग सब कोई। यू कैन थ्रू द स्टॉर्म इवन द नाइट्स द डार्केस्ट बिफोर द डॉन लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम इट्स द साउंड ऑफ सोल इन मी इन मी लिव योर शादी हो जाए। लग रहा कि नहीं। जो भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं पता नहीं कुछ ना कुछ तो हो जाता है लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि रमजान से पहले हम प्लान कर रहे थे कि थाईलैंड जाके आए फिर हम सोच रहे थे कि रशिया जाए फिर सोच रहे थे यूरोप जाए फिर सोच अमेरिका जाए लेकिन कमेंट मैं R1 ले लूं क्या वापस। मुंबई में जगह नहीं चलाने के लिए। कोलकाता में तो बहुत ट्रैफिक है। कलकत्ता खाली करवा देंगे। टाटा नैनो ले लूं क्या। मैं कोई भी कार बाइक लेने के बारे में सोचा नहीं हूं मैं बट जब बर्थडे आएगा तो तब थोड़ा सा अपने आप को गिफ्ट करेंगे आने लगेगा ना तब डिसाइड करना चालू करूंगा अभी तो फिलहाल डिसाइड नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू मैं आई कांट मेरा फैन मोमेंट है ये आपको अभी फीलिंग डाले इनके लिए डाले। तो अगर आप लोगों ने आपको मेरी स्टोरी पता है तो मैंने शुरू किया था टेलर के काम से पता है ठीक है। आई एम फॉलोइंग यू सिंस यू हैव 20,000 सब्सक्राइबर्स। अच्छा बहुत टाइम से। उसके बाद से एक वीडियो भी नहीं छोड़ा एक वीडियो भी नहीं चला इवन मैं एग्जाम हॉल में बैठ के वीडियो भी देखा। मैं मेरे को जो जिंदगी में चाहिए था ना वो मैंने बहुत पहले अचीव कर लिया था यूट्यूब से पहले ही कर लिया था मैंने जो ब्लॉगिंग किया हुआ था वो ब्लॉगिंग तो सारा मैंने यूट्यूब से ही सीखा। एडिटिंग भी पूरा मैंने यूट्यूब से सीखा। फर्स्ट ब्लॉग एडिट करने में मुझे 3 दिन 3 रात लगे थे। तो यूट्यूब पे अगर कुछ करना हो ठीक है तो आप लोग यूट्यूब से ही सीख सकते हैं बट लेकिन मैंने एक्टिंग के साथ साथ जो सिनेमाटोग्राफी थी वो भी सीखी। तो अब वो मूवी है ना 3 इडियट्स कि वो किसी और के स्कूल क्लास में जाकर बैठ जाता था उसी तरह मेरा भी था कि भाई अगर मेरे को ये सीखना तो उसके साथ रहो उससे पूछते रहो। मैंने तो अपने स्कूल में सबको फ्रेंड जोन कर दिया था। वह लाइट दादा से लेकर हर कोई मेरे को जानता था। ऑलराइट सो एवरीथिंग इज डन नाउ वी आर रेडी टू टेक फोटोज एंड सेल्फीज अराउंड विद MSK। बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ यार रहने दे। हम लोग वो जो फैन वाला मोड होता है ना उस मोड में हैं। इसने मेरे को बड़ा मजा आया। इट्स वेरी क्लोज टू MSK यार। आल्सो मी बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ यार MSK भाई के सामने जा रहा हूँ रियल में यार। लिव योर लाइफ लिव इट प्लीज। जल्दी जाओ आज हम आज ब्लॉग बनाने वाले हैं। सो फाइनली वी ऑन स्टेज और अरे भाई ऐसे कैसे दिल तोड़ दिया यार। ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स तो मीटअप हो गया कंप्लीट एंड सब लोग सेल्फी ले लिए और ऑफिस स्टेज में देख सकते हो अभी भी सेल्फी सेशन चालू है। एवरीथिंग इज डन नाउ वी आर गोइंग टू होम। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।